देवता लोग एक स्वर से नहीं बोल रहे हैं, अनेक स्वर में बोल रहे हैं। क्यों? जब आदमी देखिए, इसके दो अर्थ हैं। आठ लोग हों, सब डरे हों, तो अलग अलग भाषा होगी, अलग अलग आवाज होगी। और दूसरा कारण अटपटा है जरा, किसी के घर में 20 लोग हों और 20-20 भाषा में बोले तो समझिएगा इस घर का कोई मालिक नहीं है। तो इस घर का मालिक कौन है? अब इस घर का भगवान मालिक। कब तक ये 200 एक साथ रही है भगवान जानत है, जीव न जनिए। ये देवता पृथक पृथक दिन की इन प्रशंसा सुनकर भय प्रसन्न चंद्र अवतन, चंद्रशेखर भगवान गदगद हुए। हे देवगण, कहो क्या हेतु है आने का? चुप, चुप, कोई बोले ही नहीं। क्यों? हेतु तो भैया अपना हित है। स्वार्थी व्यक्ति अपने हित की बात चाहते हुए भी कह नहीं पाता है। कहीं ऐसा न सोचे कि कहीं समझ जाए तो, और नाराज हो गए तो। लेकिन परमार्थी व्यक्ति ऐसा नहीं सोचता है, स्वार्थी सोचता है। परमार्थी कदापि नहीं सोचता। देखिए, भगवान ब्रह्मा ने कहा, सकल सुरन के हृदय यस शंकर पर निज नयन देखा चहि एक बात समझिएगा, हम भगत लोग जरा दिमाग से काम नहीं लेते हैं, सब काम दिल से लेते हैं। ये भक्तों की कमजोरी है, दिमाग लगाते ही नहीं है, केवल दिल का काम है इनका। और संसारी व्यवहार के लोग दिल से इनका कोई रिश्ता नहीं है, केवल दिमाग लगाते हैं। एक हमारे ऐसे परिचित हैं, जब आते हैं वो तो मैं देख के पहले पूछता हूं, अपना काम पहले बताओ। नहीं 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 नहीं, आप आए थे तो मिलने आ गए, लेकिन वो मिलने नहीं आ गए, स्वभाव है उनका, जात जात बताई है जरूर। तुम पहले ही पूछ लेते हैं काम बताओ, तो पहले पूछ लेते हैं, बताते नहीं है तो फिर हम कहते हैं, अब आप तो कह रहे थे मिलने आए हैं, अगली बार आइएगा तो काम बताइएगा। ये भगत लोग इसलिए दुखी रहते हैं, क्या बतावें, सुदु स्वभाव है, क्या बतावें, समझ नहीं पड़ा, कह के ही माई मंत्रा को सुना रही। यदि आप समझ रहे हैं कि समझ रहे हैं, तो आप ये भी समझ जाइए कि वो भी जान बूझ के ना समझ बन रहे, समझ वो भी रहे। समझे नहीं समझे? अरे तुम्हारे गांव के सेठ जी, मेरी आपसे प्रार्थना है, न शत्रु बनाइए न विद्रोह करिए, सांप को जब वहां ऊपर के लोक में यह हालत है, देव लोक में शंकर परम उछा निज नयन नि देखा चाहे नाथ तुम्हार विवाह। अरे यही कह देते कि बाबा आपका विवाह हो जाए, तारकासुर का मरण हो, सब देवता बड़े दुखी हैं, तो कौन सी बात बिगड़ जाती? बाबा ने कहा कुछ नहीं, समझ सब गए, चलो ठीक है, यह तो रचना बनाइए। यदि हम समझ के भी ना समझ बने हैं, तभी हम में श्रेष्ठत्व की पात्रता है। बोले बाबा कह रहे हैं, समझ रहे हैं तब भी शांत हैं, तभी हम श्रेष्ठ हैं। आजकल तो श्रेष्ठत्व रहा नहीं, केहू के तन को छेद दिया बस एक वाक्य से, और घर परिवार बेटा बहू, अरे महाराज ले, यमुना जी की तरह बहने शुरू हो गए।
अरे थोड़ा तो पछाओ यार, सब जगह है। कलिकाल में जीव की चित्त की गति सम रहती है। कलयुग सब जगह है, व्यवहार सब जगह है, हर घर की हालत वही है। जैसे समाचार वाले कहते हैं ना, स्थिति तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में है। हाँ सब जगह, परंतु जिसका प्रसन्न भाव है वो श्रेष्ठ है। बाबा करिए करिए, हे ओमस्तु। सप्तर्षि का आह्वान हुआ, सप्तर्षि आए, माँ के पास गए, कामधेनु सुनाया, प्रतिज्ञा सुनाया, माँ की निष्ठा सुनी है, जय जयकार करके गए। हिमांचल जी के पास गए, लग्न पत्रिका लिखवाए, कामधेनु और वरदान सुनाने के बाद ला करके भोले बाबा के पास, बोले ब्रह्मा जी बैठे थे उनको दिया। ब्रह्मा जी ने लग्न सुनाया, सब देवता अपने अपने लोक चले गए। अगले दिन विवाह का तिथि मुहूर्त बना है। हा हा हा, देवलोक जाकर लगे समारन सकल सुर वाहन विविध विमान, हो सगुन मंगल सुभद करहि अपचरा। देवता लोग अपने अपने लोक में हो, अब सुराय नृत्य कर रही है, वहां बाजे बज रहे, कहा देवलोक में, और दूल्हा कैलाश। देवता सजावट कर रहे हैं और दूल्हा को कोई पूछ ही नहीं रहा है, तो गण लोगों ने संध्या वेला में 4 बजे का, बाबा हम लोग भी सजावट कर लें, करते धरते बनाते बिगाड़ लें। बाबा बोले हो करो, बोले बाबा तो कुछ करते नहीं। श्रृंगार से उसी को लगाव होता है जिसके मन में ये बात रहती है कि हम कैसा लगेंगे, कैसा लग रहे हैं। आज जो अपने बारे में सोचते ही नहीं कि हम कैसा लगेंगे, वो कैसा रहे, कुर्ता फटा हो, नीचे के बटन ऊपर लगा, उसको क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं। कोई कहवे करेगा तो बहुत है, यही उसका उत्तर होता है। लेकिन हर व्यक्ति फटेहाल नहीं रह सकता ऐसा, उसको तो बनना ठहरना, दूल्हा जब बनना है तो गणों का दायित्व है वो करें। तो बाबा ने कह दिया हो करो दर्शन करिए, बाबा का स्वरूप दर्शन कराओ सबको, बाबा की चौपाइयों से आइए हम आप ही बाबा का दिव्य श्रृंगार करने को। स्वामी जी ने जो पंक्तियां दिया, शिव ही शंभोगन कर रही श्रृंगारा, शिव ही भुजंगा।
डमरू डमरू, दाहिने हाथ में त्रिशूल, बाम हाथ में डमरू विराजा। देखो बाबा नंदी पर आरूढ़ होकर चले वाद्य बजा, कहां कैलाश पर। वो आनंद देखकर देवता लोग देवलोक में सजावट करे तो वहां भी बाजा बजा। कान में कंबल, अश्वतर, शंख, पद्म, हरि कंगन, बाजूबंद सब सजा दिया। वासुकी महाराज जनेऊ बन के लिपट गए, अहिम और सर्प मौर लगाए, मौर बना, सिर ऊंचा एक सर्प से बांध दिया सिर पर ही, और सर्प की पूंछ नीचे लटका दी, मौरी बन गई। अहिम मौर समारा, ऐसा दुल्हा आपने देखा होगा। अरे ऐसन दुल्हन देखली नगर में, जैसे रचले विधाता स्वकर से स्वकर से स्वकर से, ऐसन दुल्हन देखली नगर से। बाबा है हो, तभी एक बात बैठते चर्चा में आई, श्रेष्ठत्व साधना की सर्वोच्चम अवस्था में श्रेष्ठत्व का जो दिव्यत्व है ये भी गौण हो जाता है। क्यों? हिमालय की जब ऊंचाई आती है तो हिमालय की ऊंचाई से ऊंचाई कुछ नहीं दिखाई पड़ती है, हिमालय हिमालय ऐसे करिए ना, अरे बाप रे बाप कितना ऊंचा है। अब कहीं ये कल्पना ना मन में आ जाए कि यदि ऊपर चढ़ जाए गिर पड़े तो कहाँ जाएंगे, फिर पता ना चलेगा कहाँ जाएंगे, ऊंचा है वो ऊंचा है। ऊंचा को ऊंचा ही रहना। मेरे बाबा देवता क्या सोच रहे हैं, ब्रह्मा जी क्या सोच रहे हैं, विष्णु जी क्या सोच, कुछ अपने शांत। इसलिए गण लोग सजा दिए, देखिए देवताओं के भी स्वामी अवतार हो तो रामकृष्ण प्रभु के भी स्वामी, मुनियों के भी स्वामी, दैत्यों के भी स्वामी, भोले बाबा के पास आके सारी उपाधियां समाहित हो जाती, आप कुछ कह ही नहीं सकते। इसलिए बाबा महादेव महादेव क्या कहते, बोला भंडारी, घर में भी जो सबकी चिंता करके अपनी चिंता नहीं करता उसके बारे में घर वाले कहते हैं ये भोले बाबा। हाँ सबकी जय जय मनाते हैं। शिष्ट चलाने के लिए जैसे महादेव की आवश्यकता है, वैसे घर चलाने के लिए भी एक भोलेनाथ की आवश्यकता है। चलेगा ही नहीं, हाँ नहीं चलेगा। हमारे घर की ठाकुरद्वारी में एक पुजारी जी महाराज सेवा में रहते हैं, आते हैं अपनी श्रद्धा से सेवा करते हैं। एक दिन मैंने पूछा कि पुजारी जी परेशान बहुत रहते हैं आप, तो रोने लगे। न क्या बात है, फिर छुट्टी है क्या? बोले हाँ फिर छुट्टी लेना है। तो माई अपना सेवा में रहती हैं, बाबू रहते हैं, दीदी रहते हैं, लोग करते हैं, आते हैं, क्योंकि ठाकुरद्वारी भगवान की कृपा से जरा लंबी छोड़ी है। तो हमने कहा दुखी क्यों है? बोले हम महीने भर साल भर यहाँ कमाते हैं और घर वालों की सेवा करते हैं, महाराज जी न करें तो क्या करें। हमने कहा आपने बहुत अच्छा रास्ता पकड़ा है, कमाइए सेवा करिए, भोले बाबा की उपासना आदिशक्ति की सेवा है, लेकिन ध्यान रखिएगा सेवा करके कहीं अपने सेवा की आवश्यकता न महसूस होने लगे। आप भी जो भोले बाबा हैं ध्यान रखेंगे घर में। कई बार घर वाले सेवा लेते तो रहते हैं लेकिन इतना लेते हैं कि आप खुद ही भोले बाबा बन के घूमने लगी, ये भी सावधान रखिएगा। बोले क्या करूं, हमने कहा ब्लॉट के प्रयाग से चर्चा करेंगे, अब क्या बतावें क्या करेंगे। हम जानते हैं होता रहे, परंतु सेवा इतनी संभार के चलनी है कहीं हम भिखारी न बन जाए, कहीं हम खुद न टूट कर बिखर जाए,
इसको संभाल कर चलना, नहीं तो सबकी करने के बाद देखो ये संसार दो बातों में बड़ा विकट है। पहला, जो ऐश्वर्य में जीने की क्षमता लेकर के ऐश्वर्य से जीने लगता है उसको लोग क्या कहते हैं, बड़े विषयी हैं, केवल भोगासक्त रहते हैं, भजन से कोई मतलब नहीं। और जो दीनहीन अवस्था में चला जाता है जीते जीते, उसको क्या कहते हैं, अरे अपने कर्मन का फल पाई रहे, अरे मौज में जी रहे तो कहते हो विषयी है, और अपने दूसरे रस में आ गए, उघारे हो गए, चदरा उड़ लिए, बैरागी बन गए, सन्यासी बन गए तो कहते हो कर्म फल पा रहे हैं। तो आखिर ये वास्तविकता क्या है? वास्तविकता ये है कि ये सुनना बंद करो, सबसे बड़ा रोग कि क्या कह रहे हैं लोग, सुनो ही नहीं, अपनी मस्ती में रहो। हाँ, संसार सस्वर है, ये नश्वर नहीं है। संसार में बड़े संगीत हैं, संसार रसमय है। आप में जो सदगृहस्थ बैठे हैं, भगत भगवान के बैठे हैं, वो इस शब्द वाक्य को हृदयस्थ करें, संसार सस्वर है, संसार के हर तान में स्वर है, हर तार में स्वर है, हर क्षण में आनंद है, दिन रात का पते नहीं चलेगा। सुबह से उठे हैं, बैठे थे, कुछ चर्चा हो रही थी, हरी चर्चा, इनसे बाबू भी आ गए थे, फिर गए गंगा मियां के दर्शन करके लौटे, तो जैसे ही आए थोड़ी चर्चा फिर शुरू हुई, और तब तक देखा ही तो 11:30 बज गया, कथा भी करनी है, तो शीघ्र सब सेवा पूर्ण हुई सरकार की और हम लोग चले आए। ये तो भागे भागे आए हुए लगता है, चले गए। आपों की स्थिति ऐसी होगी, पाए कि नहीं पाली है, पाए रहो, नहीं तो जय जय सीताराम रही हो। हाँ, यहाँ तीर्थ में पाए रहो, जलपान तो आप लोग ओम अपवित्र पवित्र वा करके कर लिया करो, जो धर्म करने आए वो जाके 4:00 नहाए और दिन भर लपेटे, लेकिन जिसको अभ्यास न हो शीघ्र नहाने का वो कदापि न करेगा, पता चला है दूठे गमछी लेके चल रहे हैं। हाँ, अभ्यास हो वही नहाए जल्दी, जिसको शीघ्र का अभ्यास न हो। देखो कहा ना, इस संसार को आप अपने शरीर की सुविधा से जीने का अभ्यास करिए, नहाए नहाए शरीर को कछुआने दीजिए, महीने भर रहना है, आनंद लेना है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, जितना शरीर आपका सहे उतने सत्कर्म करने का अभ्यास करिए। बाबा की तो क्या उदासीन भाव है, उदा माने ब्रह्म, सीन माने लीन, जो ब्रह्म भाव में अवस्थित रहता है उसका नाम उदासीन है। भर कैसा मिलेगा, जोगी जटिल अगाम मन नगर अमंगल वेश, अस्वामी इन एक मिली परी हस्त असी रेख। एक और है, अगुन अमान मात पितहीना, उदासीन सब संशय। बाबा तो उदासीन है, उसकी चर्चा फिर कभी होगी, विवाह में चले, गणों ने सजा दिया, नंदी पर आरूढ़ होकर मेरे बाबा चले, वाद्य बजा, देवांगनाएं मुस्कुराती हैं, कहती हैं बर लायक दुल्हिन जगनाई, बर लायक दुल्हिन जगनाई। भगवान विष्णु ने दिक्पालों से कहा, भैया ये जैसा दूल्हा वैसी बरात नहीं, ये बरात और दूल्हा कोई मेल नहीं खा रहा है, अपना अपना समाज लेके दशो दिक्पाल आगे आगे चलिए, देवता लोग आगे चले, भगवान ब्रह्मा देखे हंसे, शिव जी भी मुस्कुराए, मन ही मन महेश मुस्काही, हरि के बिंग बचन नहीं। क्या के बोले जी, क्या सुनाते हो, ओ चले ब्रिंगी को बाबा ने बुलाया और कहा गणों को आह्वान करिए। ब्रिंगी ने बजाई सिंगी, हर हर महादेव शंभु, हर हर महादेव शंभु, हर हर महादेव शंभु, हर हर महादेव शंभु।
कितना भया कि सेवय अनुशासन सुन सब आए। जय शिव शंकर जय भोला, प्रभु पद जल जशीष तिर नाए। जय शिव शंकर जय भोला, नाना वाहन नाना वेशा। शिव शंकर जय भोला, फिर से शिव समाज निज देखा। जय शंकर जय भोला, तो मुख ही न बिबुल मुख काहु। कर को बहुपद बाहु, विपुल नयन को नयन विहीना। विपुल नयन को नयन विहीना, हृष्ट पुष्ट को वति तन कीना। जय शिव शंकर जय भोला, हृष्ट पुष्ट को वति तन कीना। जय शिव शंकर जय भोला, हृष्ट पुष्ट को वति तन कीना। हाथे गायब, पाँव 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 गायब, आंख 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 गायब, गर्दन 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 गायब। ब्याग बलक बाबा ने और देखा, क्या देखा? तन खीन को वति कीन, पावन को पावन गति धरे, भूषण का लाल कपाल कर सब सत्य सोनित कर मारे। कर स्वागत सुर शिकाल मुख गण वेश अगणित को गने, बहु दिन सपे जमात बरनत नहीं बने। जमात बरनत नहीं बने, दुबले मोटे कैसे नगर के मल्लू हलवाई पलट जाए गिर जाए, तीन लोग मिलकर नहीं छह लोग उठा मत उठा। कैसा मोटा, इनकी मोटाई इनमें चली गई, उनकी मोटाई इनमें आ गई। प्रातः स्मरणीय पूज्य राजेश्वरानंद जी महाराज इस प्रसंग पर कहा करते थे, भैया बारात तो बहुत भाई, लेकिन अद्भुत बारात एक ही भाई। वो किसकी भाई? भोले बाबा की भाई। कहे हर आदमी बराती ले जाता है तो कहता है भैया हो कपड़ा धुलवा लेना, भैया कपड़ा बदल के चलना है। और यहाँ बराती ऐसे कि जिस नगर में जाए पूरा शरीर बदलवा दे, ये स्वामी जी के वचन है। आज ही देखे हाँ, पता चला जिसको पकड़े जय जय सीताराम, जो पत्तल लेके आया दाल वाला चावल वाला पूड़ी वाला, ए गए कहाँ गए, पूड़ी गायब। ऐसा कहते थे स्वामी जी, क्या अद्भुत कथा करे। देखते बनता है वो, अब कोई चुप नहीं है। नाच ही गा वही गीत परम तरंगी भूत सब देखत यति विपरीत। बोले बचन विचित्र नाच ही गाव ही गीत, कौन अपने अपने तरंग में भूत प्रेत लोग नाचे गावे। का नाचे गावे? गीत। देखिए जिसका होता है उत्सव उसको उत्साह कम होता है, उसको जो लोग प्रेम करते हैं उसका उत्साह देखने योग्य होता है। होता है ना, जिसका उत्सव होता है वो तो संकोच में रहता है, लोग क्या कहेंगे। भाई जी हमारे बहुत पहले भूत प्रेत के साथ रहते थे, आपने तबला बहुत सुना होगा, लेकिन ये भाई जी की जो ये ताल बजती है ना, हमको कई लोगों ने कहा महाराज लगता है एकदम भूते प्रेत को पहले में नचाते बजाते रहे। भाई जी के हाथ राम कथा के साथ उसमें ये ताल है। अभी देखिए भाई थोड़ा घसीट वाला बजाइए ये। भर शोभा अधिकार
जब देखन लागे इन समाज जब देखन लागे बिजली चले वाहन सब भागे बिजली चले वाहन सब भागे हरि धीरज तह रहे सयाने बालक सब ले जीव पराने समाज अग्रे अग्रे चल रहा था क्यों भोले बाबा जानते हैं। देखिए थोड़ा विनोद है, कई लोगों के ससुराल में ससुर और सार सालीन होते, दामाद के साथ कितो लोग आए जाए, आओ भैया बैठा 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 बहुत अच्छा भैया, और कई लोगों के सास ससुर दैव का दिहल होते, दमाद से तो कहते हैं कि अंदर जा और साथी लोगों से कहते हैं कि तो हम का जूता उठावे, और एक बार मैंने देला है एक मित्र की ससुराल पहुंच गए ओका कह दिन अंदर हमसे पूछन का हो जूता उठावे चला था संग संग मैं पढ़ रहा था क्या बोल रहे हो ऐसे आदर करते हैं क्या कहकर आदर आदर वाला तो अंदर गया आदर ए मीठा पानी लो आवे के पहले फूट ली हमने तब टेलीफोन वगैरह साथ में था नहीं तो अब ससुराल की ये बात है और जहां जो दुल्हा है वो करे साथ है आफत चल रही है तो दुल्हा समझदार बाबा हमारे तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना बाबा देवता लोगन के पहले रचना बनाई के आगे देखिए बड़े लोग कहते कुछ नहीं है लेकिन इशारा में छोड़ता हूं कुछ नहीं भगवान विष्णु और भोले बाबा में लगता है ये बात बन गई सरकार ये देवता लोगन के जल जलपान करावो को तो पहले निपटाई दे तो भगवान विष्णु ने दिक्पालों से कहा पहले चलके वहां निपटाओ कहे से कि बाबा जब पहुंची हैं तो क्योंकि ऑक्सीजन लगी क्योंकि नली लगी है क्यों भर्ती हुई बोले बाबा जाने कहा क्या हो अद्भुत भैया ओ इसलिए देव समाज पहले पहुंचा बरातियों ने पूछा इसमें दूल्हा कौन है बोले दूल्हा नहीं बराती लोग सोचे जिसकी बारात इतनी सुंदर है उसका दूल्हा कैसा अद्भुत होगा साहब हे प्रयागराज यही बात है जो बाबा ने लिखी लेकिन भैया शिव समाज जब देखन लागे बिदर चले वाहन तर धीरज तह रहे सया बालक सब ले जीव परा घरों में बच्चे जाकर के घुस गए माताओं से माताएं बरात कैसी है लड़का बोले दरवाजा बंद करो भाई लड़का भूते देख के डर गया अब गोस्वामी जी क्या कहते हैं बच्चे घरों में जाकर भय के मारे ऊपर की सांस ऊपर नीचे की सांस नीचे बच्चे जब भय में रहते हैं तो बड़ी शीघ्रता से कहते देखिए बाबा ने क्या लिखा कहिए काह कही जाई न बाता 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 जम कर के धौ बरिया था जम कर धार के धौ बरिया था पर बौरा पस असवारा पर बौरा पस असवारा काल
कपाल विभूषण सारा ध्यान कपाल विभूषण सारा ध्यान कपाल विभूषण सारा ध्यान कपाल विभूषण सारा। माँ कहने में नहीं आती है बारात को क्या कहें और साज को क्या कहें, कैसा दूल्हा बावला है माई, बावला कहे तो बौराहा, और नीचे इसको ले जाए बौराहा माने बकलोल, बकलोल माने भौंभा। देखिए अपने बच्चों को कोई बुराई नहीं करता, अब दूसरे के बच्चों को लोग टिप्पणी करने से चुकते नहीं। मेरे पास ऐसे ऐसे लोग बच्चों को लेके आते हैं कि बच्चा बोलता नहीं है, टेढ़ा हो जाता है। मुझे देखकर भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु और इस अवसर पर मैं आपसे भी निवेदन करूं, किसी के बच्चे में कोई दोष हो ना तो उसको पता होता है, आप स्वयं न दिखाओ। आपके बच्चे अच्छे हैं अच्छी बात है, लेकिन जिसके बच्चे में कोई कमी है वो अपने बच्चों की कमी आपसे अधिक जानता है, वहाँ आप टार्च न दिखाओ। माँ बाप को अपना बकलोल ही कन्हैया जैसा प्रिय है वो, आपके कहने से क्या होगा। प्रकृति बड़ी विचित्र है, कोई भी माँ बाप अपने बच्चों की निंदा सुनना नहीं चाहता, जैसे भगवान नहीं सुनते, लेकिन ये बच्चे बारात का स्वरूप क्या वो देखे वो अनुभूति माताओं को सुनाते हैं। माई बर भौरा क्यों अकी बैल या सवारा बस हमने बैल और ब्याल सांप पहने कपाल खोपड़िया पहने विभूषण छारा मटी लपेटे है राखी लपेटे है। माई मैंने तो ऐसा सुना है महात्माओं से, भगवान शिव जब दूल्हा बनकर चले भस्मी लगी थी, भगवान ने देवराज इंद्र से कहा थोड़ा अभिनंदन करिए, तो गांव में तो मैया लोग अक्षत पुष्प लेकर के मारती है ना दूल्हे को नजर न लगे। ससुररिया जइह बाबू धीरे धीरे अने बुला तोड़ तोड़ खइह बाबू धीरे। ये परछर का गीत है, वो माताएं मारती हैं तो भगवान ने कहा, तो देवराज इंद्र ने भी अक्षत छिड़का, अक्षत माने बूंदाबादी भाई, यहाँ सब कपड़ा सपड़ा पहरे रहिया लोग, यहाँ सुबह शाम अरे आनंदे तो आता है भैया, दिनवा में जितने भगवान गर्मी भेज रहे हैं उतने रतिया में छुटका देते, अरे राम सब लोग सावधान रहिया लोग। हाँ एकदम और भूल से भी हीटर रजाई के अंदर डाल के न सोइया लोग है ना, तो फिर हीटर जितने हीट देता उतने शरीर के फीट देता। जय जय सीता रजाई के रुई पता ना ही चले देता, जब वो को पूरा जय जय सीताराम हो तबे पता चले था, क्योंकि ठंडी बहुत है इसलिए जरा चकाचक एकदम शरीर को साद करके रह जाए। बच्चों ने जो देखा वो माताओं से कह दिया, और देखिए कितना कहा, माई तन छाल ब्याल कपाल भूषण नगन जटिल भयंकर सन भूत प्रेत पिशाच जोगिनी विकट मुख रजनी जो जियत रहे परात देखत पुण्य बढ़ते ही कर सही देखी सो मां विवाह कर कर मात यसि नरि मात यसि नरि मात यसि नरि कन कही। माई शरीर में राख लपेड़े सिर से पांव तक सांप पहने जब्बी लंबी जटाएं कामधन के समय जटाएं बिखर गई थी गणों ने थोड़ा तो समेटा शेष वैसे के वैसे रही जटा लहरा रही। और क्या है व्यक्ति का तीन स्वरूप है, क्या पहने हैं, देखने का बोध कैसा है और उसके श्रृंगार का वैशिष्ट क्या है। बच्चों ने कहा बाल लंबे लंबे राख लपेड़े सांप पहने
लेकिन देखने में कैसा, आप तो भयंकर दिखे हमारी। दुल्हा भयंकर नहीं दिखना चाहिए, दुल्हा शालीन दिखना चाहिए। बच्चों ने देखा जटिल भयंकर, अब व्यवहार कैसे लोगों से। संग भूत प्रेत पिशाच जो बिनी विकट मुख रजनी। माई भूत प्रेतों की जमात आई है, जो रात को दिखना चाहिए वो दिन में आ गए। विकट मुख रजनी चरा। बच्चों ने क्या कहा हो, अब इसका क्या अर्थ हुआ। आप में से कई लोग ऐसे हैं कि रात में कह दो कि 6 नंबर सेक्टर से जरा वो नागवासुकी मंदिर हो ही आओ, और उतने में बिजली चली जाए, हम तो नहीं जा पाएंगे, हम तो नहीं जाएंगे। कहे हो सड़क तो सीधी है। नहीं नहीं, अंधेरे में हमको डर लगता है, दिन में तो कुछ होता नहीं, अंधेरे में क्यों डर लगता है। नहीं, भूत काल का अर्थ ही है जहां न होने की उपस्थिति का बोध मन में को है, वही भूत है। भूत माने बीत गया, जो बीता उसका स्मरण है। कई लोगों को सपने में भूत पकड़ लेता है, सोए सोए बिस्तर पर तो कोई है नहीं, बेड पर कोई है नहीं, रात को था नहीं, दिन में कोई था नहीं, तो क्या कर रहे हो भय। बच्चे ने जो देखा भय नहीं है, ये तो उपस्थिति है वो। अब बच्चे निर्णय देख रहे, सुनिए। जो जियत रही बरात देखत पुण्य बढ़ते ही कर सही। माँ, हम लोगों का ये निर्णय बना है जो बरात देखकर जिंदा रहे उसका ही सौभाग्य है। क्यों? क्योंकि देखी ही 100 उमा विवाह, घर घर बात असिलर कन कही। माई बरात देखकर जो जीवित रहेगा वो भाग्यशाली है। ऐसा बरात भोले बाबा लेके आए थे क्या? नहीं हो, लेके नहीं आए थे, आवाहन होते ही सब चले आए थे। थोड़ा विनोद करता हूं, बुरा न मानिएगा, हम लोग भी भूत हैं, प्रेत हैं। हम मने पहले हम फिर आप लोग। क्यों? शायद ही आप में से कोई ऐसा है जिसको टेलीफोन किया गया होगा कि चलो चलो कथा हो ही रही है, हम भी पूछ के बिना पूछे कान में सुने कथा हो रही है चले जाते हैं, और हम आप सब बिना पूछे कहे जहां भगवान की कथा हो वहां चले ही जाते। हम लोग भगवान की झोली के भूत प्रेत है, अन्यथा ले लीजिएगा। हम सब लोग भगवान की झोली के कौन? जो अपने स्वामी श्री रघुनाथ जी, श्री कन्हैया जी, भोले बाबा, विष्णु भगवान, लक्ष्मी नारायण, आदिशक्ति जगत जननी पारम्भा माँ भगवती, इनकी सेवा का केवल सुन करके पहुंच जाता है, वो इनकी झोली का रत्न है, उसी को भूत प्रेत कहा जा रहा है। यहाँ गणों ने कहा देखी सब माँ विवाह, घर घर बात असिलर कन कही। वस्तुतः भगवान शिव के कल्पना लोक में जो गण लोग हैं बाबा के, वही ये चित्र विचित्र रूप बना करके भूत प्रेत स्वरूप में गण लोग, ये सब बाबा के गण हैं। ऐसे क्यों आए गण लोग? चित्र विचित्र रूप आपने देखा होगा, कहीं रामलीला हो, रासलीला हो, धनुष भंजन हो, कुछ भी हो, तो वहां एक विदूषक जरूर रहते हैं। कहे ये लीला कथाएं इतनी गंभीर भाव ले लेती हैं कि श्रोता को बार बार हंसा करके हल्का करना पड़ता है। तो भूत प्रेत सब जगह है, चाहे यहां कहो, चाहे हुआ कहो, चाहे यहां कहो, ये भूत प्रेत सब जगह रहते हैं। भगवान भोलेनाथ के गण हैं। जब ब्याह चली और दुल्हा सरकार पहुंच के गण लोग लेकर, तो माता जी आरती करने आई, मंगल गान गाते, मैना शुभ आरती सवारी सुमंगल गावे नारी, मैना
सवारी सुमंगल गावैयारी कंचन धार सोहर पानी परिछन चली हरहि हर साली विकट वेश रुदहि जब देखा अबलन उर भय भय उपिसे खा भागि भवन बैठी अति त्रासा भागि भवन बैठी अति त्रासा गए महेश जा जनवासा मैना कर चनी दूल्हा सरकार का स्वरूप देखकर दैया इसके साथ मेरी बेटी रहेगी कैसे। आरती किसी मैया को देखकर अंदर गई, मां पार्वती जी को गोद में लेकर मैना जी बहुत विलाप करने लगी। बेटी जिस भगवान ब्रह्मा ने आपको इतना सुंदर सुकांत स्वरूप दिया है ये बावला भर कहां से रच दिया। जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए इस बबूल में कैसे लगेगा। आपको लेकर मैं समुद्र में कूद जाऊंगी, डूब जाऊंगी, पर्वत से छलांग लगा दूंगी, आग में जल जाऊंगी, जीते जी आपका विवाह इस बावले से कदापि नहीं करूंगी। इतना सुनना था सारे माताएं रोने लगी। अच्छा भगवान का ये बड़ा सुंदर कृति है साहब, माता लोग भी क्या भगवान ने बनाया। कोई माई रोई तो भी नहीं पूछती है क्यों रो रही हो, एक रोई वहीं बैठ के 10-12 शुरू हो जाती है। अरे भाई काहे लिए रो रही है, वो भूखन रो रही है, बच्चे के लिए रो रही है, पति के लिए रो रही है। सहयोग इतना बढ़िया माता लोग करती है, अद्भुत। अरे सब रो सब माई रोने लगी। किसी ने कहा ये दूल्हा किसने बताया, माँ को स्मरण आया नारद जी का। अरे गिन गिन गरी आया माई ने साचे हुमुन के मोहन माया उदासीन धन भामन राजा या उदासीन धन भामन राजा। आदि प्रसन्नता आदि दुख में कुछ स्मरण नहीं रहता। मैया मैया नाराज नाराज कर गई, भगवान जो नारद जी ने मेरे साथ किया दैव उनके साथ भी वैसा ही करावा है। ये माताओं की एकदम पौराणिक गाली है, जवन हमारे साथ कीन है दैव उनके साथ की है। अरे करी है तब जब उनका ब्याह हो बिठिया हो वो तो आनंदे में रहते हैं साहब, लेकिन माई सब कही गई। अब मैना मैया को भवानी मैया संभाली। माँ नारद जी ने तो ये भी कहा था, कह मुनि तो हिमवंत सुनो जो विधि लिखा लीला देव धनुज नर नाग मुनि हो आप क्या ब्रह्मा जी के रेख को मिटा सकती हैं। मेरे भाग में सुख लिखा होगा सुख, दुख लिखा होगा दुख, मैया जहां जाऊंगी वहीं पाऊंगी, किसी को दोष न लगे। यह सुनकर कि मैया ने शांत करा दिया। देखिए जानते हैं अब थोड़ा इसको ठीक से समझिएगा पकड़िएगा। हमको कोई दुख देता नहीं। कई बार तो मैंने देखा है लोग सुख में ही दुख निकाल लेते हैं, सुखी लेकिन इसी में दुख निकाल लेते हैं। कैसे आप सब लोग मेला में आए देख रहे हैं, भगवान से मनाइए जितना उतना पवन देव से मनाइए। हे पवन देव हे मेघराज महीने भर कृपा बरसाइएगा ना, कृपा बनाइएगा बरसाइएगा नहीं। हाँ क्यों यहाँ कृपा बरसी तो फिर सब सरसी। पिछली बार कई लोग कल्पवास छोड़ छोड़ चले गए थे, कृपा ना बरसाइएगा। हे पवन देव हे मेघराज कृपा बनाइए रखिएगा। हाँ नित्य हनुमान अष्टक पढ़िए,
क्योंकि पवन देव उनके पिताजी हैं, तो हनुमान अष्टक पढ़े रहिए। बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीन लोक भयो अधियारो ताहिस्त्रास भयो जगको यह संकट काउ सो देव ने आन करी विनती तब छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो को नहीं जानत है कपी। ऐसे ही प्रार्थना करिए, मेघराज से प्रार्थना करिए, कृपा बनी रहे महाराज, कृपा बनी रहे। सुना नारद जी मेघशिरा सप्तऋषियों के साथ आए और माँ के सत्य स्वरूप का परिचय कराया। बना नहीं, सुख की अनुभूति हर क्षण करिए, क्योंकि सुख दुख मन की स्थितियां हैं, मन की अवस्थाएं। एक ही अवस्था में आप दुख की अनुभूति करेंगे दुखी हो जाएंगे, सुख की अनुभूति करेंगे सुखी हो जाएंगे। सुख में रहिए, रज पान करिए, आनंद में रहिए। शांत हो गई मैया, नगर में सुंदर श्रृंगार हुआ, जैसे पता चला ये आपकी पुत्री नहीं, जगत जननी पारंबा भगवती, पिछले जन्म में दक्ष पुत्री सती थी, शिव प्रिया थी, आपके सत्कर्म पुण्य के परिणाम स्वरूप आपकी पुत्री बनकर के यज्ञ धनसोपरांत भगवान रघुनाथ जी से मांग कर वर हुई है, इसलिए आनंदित रहिए, जय जयकार करिए, चरणों में वंदन करिए। तब मैं ना हेमंत नंदे पुनि पुनि पार्वती पद लगे हो न पुर मंगल गाना सजे समय हाटक सज गया नगर, सजा दिया गया, देवताओं को भोजन कराया गया, देवता लोग भोजन किए, माताएं गाली गाका सबको, गाली गाका सबको भोजन करा रहे हैं। कारी मधुर सुर दे सुंदरी, कारी मधुर सुर दे सुंदरी, पिंग बचन सुनाओ सीताराम के भजो, पिंग बचन सुनाओ सीताराम के भजो, भोजन करही सुर अति विलंब करी, भोजन करही सुर अति विलंब करी, सुन विनोद सच पावहि सीताराम के भजो, सुन विनोद सच पावहि सीताराम के भजो, सुन विनोद सच पावहि। शांत आनंद भगवान ब्रह्मा पहुंचे मंडप में, सिंहासन दिव्य स्वाव वर्ण जाए बनिंच बनावा, भगवान शिव का आह्वान हुआ, शिव बाबा पधारे दिव्य पीताम्बर धारण, बोलिए दूल्हे सरकार की। माने प्रणाम किया, प्रार्थना किया, भगवान दूल्हे स्वरूप में आए, सिंहासन पर रघुनाथ जी का स्मरण करके ब्राह्मण देवता जो बैठे उनको मानसिक प्रणाम करके बाबा जी अवस्थित हुए। जैसे ही बाबा व्यवस्थित हुए मुनिगणों ने आज्ञा दी, सखियां मेरी माँ को लेकर आती हैं। एक बार भाव श्रद्धा से बोलिए पार्वती मैया की जय हो। मंडप में विराजे देवताओं ने माता को प्रणाम किया, गणपति भगवान का पूजन किया, वर कन्या ने मुनि अनुशासन गणपति पूजम शंभो को सुन संशय करे संशय में नहीं रख, देवता लो इनका नाद है नहीं अंत। गौरी जी बैठी हैं, गणेश भगवान का पूजन हुआ, ब्याह कैसे भैया? देखो भैया एक प्रार्थना है यहाँ, ये विवाह शादी घर द्वार ये जैसे तैसे मत किया करो, बच्चे पढ़े बढ़े लेकिन भैया बच्चों का मन न बढ़े। गुआ में कौन ज्यादा उत्पत्ति हो तो माई बाप का कहते हैं अरे ये मन बढ़ुए हो, धन बढ़े ठीक, जन बढ़े ठीक, मन बढ़े ठीक नहीं, मन को समार कर, चाहे जैसे न हो। आजकल तो अंधाधुन चला है, अरे साहब रुपया के तीन नाम, परसा परसु परस राम, ये अच्छी स्थिति नहीं है, ये धर्म के व्यवहार के साथ खिलवाड़ है। चाहे जैसा न हो, हो जैसी श्रुति व्यवस्था हो वैसा हो। देखिए ब्याह कैसे हुआ, जैसे विवाह के विधि श्रुति गाए, जैसे विवाह के विधि श्रुति गाए, अब महामुनि ने सो सब करवाए, कही समर्पी
उच्चार किया है, हम आप सब मिलकर मानसिक आरती करें दूल्हा दुल्हन सरकार का। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजेन्द्रः सदा वसन्तम् हृदयारविन्दे भवं भवानि सहितं नमः भवं भवानि सहितं नमः। गहि गिरीश कुश कन्या पानी भवहि समर्पी जानी भवानी। इसका अर्थ समझे कभी? बेटी अपनी नहीं है, जब तक उसका देव न मिल जाए तब तक बेटी हमारी थाती है। इसलिए पद्म पुराण में वर्णन आ रहा है, क्या 100 पोखरा खुदवाओ और 1000 वृक्ष लगवा लो, इनका जो पुण्य होता है उस पुण्य के बराबर एक कन्या का दान करने का फल प्राप्त होता है। एक कन्यादान। हमारी बेटी हमारे पास अमानत है, थाती है, इसलिए गहि गिरीश कुश कन्या पानी भवहिं समर्पी जानी भवानी। ये भव की अर्धांगिनी है इसलिए भवानी। सदा वसंतम हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि, भव को भवानी सहितं नमामि। क्या बात है, अद्भुत। बाबा ने लिखा हो ब्याह के बाद दक्षिणा, कन्यादान के बाद बहुत सारी सामग्री दक्षिणा देकर हिमाचल जी सम्मान करते हैं। विदा का साज सजाया गया, लेकिन इसके पहले माँ मैना ने जो सब आरती के समय थोड़ा लीला चरित्र बना दिया था उसके लिए क्षमा याचना की। हे नाथ, महाराज को, परिवारी जनों को, मेरे को, बेटी हमारी प्राण के समान प्रिय है, सेवा में रखिएगा। और माँ से मैया मैना क्या कहती है, कर हो सदा संग कर पद पूजा नारी धर्म भक्ति देव वचन कहत भरे लोटन बारी बहुरी लाई होरे लेन कुमारी। कत विधि सृजि नारी जग माही पराधीन सुख नहु सुख नाही सब नारी न मेरी भेटि भवा चकों को, विरोध गाने वाले भट्टों को सब जो जो मिला व्याह में सब दे दिया, सबका परितोष किया। देखिए सेवकों को देने में उदारता बरती है। कई लोग जब देना होता है तो कहते हैं 500 का नोट का करवे, 10 रुपया बहुत बा, तू कोठा टारी का करवे, तो कहते मड़े ही बहुत बा। देते समय अपने को देख कर देना चाहिए। एक बड़ा पुराना पद है सध्या सादा सिन्हा जी ने गाया है, अरे काले के शिव के मनाइब हो शिव मानत नाई, काले के शिव के मनाइब हो शिव मानत नाई, कोठा अटारी शिव के मन ही न भावे कोठा
तो माँ ने भी बड़ा सुंदर उत्तर दिया था, समय रहा नहीं तुम्हें गा देता। अरे हमारे जोगिया हो, हमारे जोगिया डिम डिम डमरू बजावे शीर्ष गंगा जी के धार सोए गंग मालिया गंगा जी के धार सोए चंद्र मालिया रमावे हमार जोगिया डमरू बजावे हमार जोगिया दिम दिम डमरू बजावे हमार देवताओं को कर दिए अपने कैलाश पधारे जब शंभु कैलाश आए सुर सब निज निज लोक सिधाए जगत मात पित शंभु भवानी ते श्रृंगार कहूं बखानी। अब क्या ब्याह हो गया देवता गए और बाबा कह रहे हैं बेवेद बेधे भोग विलासा गणन समय हर गिर जा बिहार नित नयो हे बेध के मोय कार चली गयो अब जन्म ओ भट भदर कुमार सन्मुख जन्म कर्म पाप महाते तुम वृष के तुत कर चरित संचे पैका यह उमा शंभु विवाह के दरदारी वही कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पाहा सर्वदा सुख पाहा सर्वदा सुख पावही चरित सिंधु गिरजा रमन पाए तुलसीदास। स्वामी जी कहते हैं भगवान शिव मां शिवा का चरित समुद्रवत है, वेद भगवान पर नहीं पा सकते तो मैं मति मंद तुलसी क्या गाऊंगा। भगवान तीर्थराज प्रयाग की सेवा में हम आप यह अपनी दूसरी पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। आज द्वितीय दिवस की कथा पूर्ण होती है। कल हम लोग भगवान शिव महाशिवा के सानिध्य में श्री राम जन्म उत्सव मनाएंगे, इसलिए आज की बेला को विश्राम दे इसके पूर्व दो बार हरे राम 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 हरे राम राम हरे राम 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 सीता राम राम राम
प्रयागराज महाराज की, त्रिवेणी मैया की, संत भक्त भगवान की, बेणी माधव सरकार की, अक्षय भट महाराज की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर।